तिलैया थाना क्षेत्र के बजरंग नगर निवासी क्रांतिकारी प्रसाद एवं रमिता देवी द्वारा षड्यंत्र के तहत पुत्री की हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने मंगलवार को पिता क्रांतिकारी प्रसाद एवं सौतेली मां रमिता देवी को 302 IPC के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने आरोपियों को 120B IPC के तहत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा एवं 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएँ साथ साथ चलेंगी। मामला 21/9/2018 का है। जानकारी के अनुसार घटना का सूचक मृतक का मामा मदन शाह ने तिलैया पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि उसकी बहन सुशीला देवी की शादी वर्ष 2001 में क्रांतिकारी प्रसाद पिता स्वर्गीय महावीर प्रसाद के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक उसकी बहन अपने ससुराल में ठीक से रही। उसके बाद उन लोगों के द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने लगा। बावजूद वहाँ किसी प्रकार रही और उसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई, लेकिन जब उन लोगों के द्वारा प्रताड़ना कम नहीं हुआ तो ज़्यादा प्रताड़ित होने के कारण उनकी बहन अपने पुत्र को लेकर मायके चली आई और वहां रहने लगी, जबकि क्रांतिकारी प्रसाद ने पुत्री को अपने पास जबरदस्ती रख लिया। मिलने जाने पर वह बच्ची से उसकी माँ को मिलने भी नहीं देता था और भगा देता था। क्रांतिकारी प्रसाद के द्वारा तीसरी शादी रमिता देवी के साथ कर लिया गया था। आस पड़ोस के लोगों से सूचना मिली थी कि उसकी भगनी की क्रांतिकारी प्रसाद एवं रमिता देवी के द्वारा बराबर मारपीट किया जाता था। दिनांक 20/9/2018 को शाम करीब 7 बजे फोन पर उन्हें सूचना मिली कि उनकी भगनी को पंखे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें घटना की सारी सच्चाई पता चली। तब उन्होंने पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया। इसे लेकर तिलैया थाना में कांड संख्या 248/18 दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजन बलिराम सिंह, अधिवक्ता सत्यनारायण प्रसाद और अधिवक्ता संजीव कुमार ने किया। इस दौरान कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक बलिराम सिंह एवं अधिवक्ता संजीव कुमार ने कार्रवाई के दौरान मामले को जघन्य अपराध बताते हुए अदालत से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने दलीलें पेश करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनों अभियुक्तों को 302 IPC एवं 120B के तहत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।